हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडिया के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल के कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जान लेते हैं। चलो फिर फ्रेंड्स, उनका पहला मिशन सक्सेसफुल 1999 में जब काठमांडू से भारत आ रहे विमान IC-814 को आतंकवादियों द्वारा कांधार में हाईजैक कर लिया था, तब भारत की ओर से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस मामले को सुलझाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। उनमें से सबसे मुख्य भूमिका अजीत डोभाल ने निभाई थी। अजीत डोभाल की रणनीतियों के चलते ये सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। और फ्रेंड्स, सेकंड, अजीत डोभाल ने लगभग 7 सालों तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अपना समय बिताया है। भिखारी के रूप में पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने जासूसी करते हुए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी को जुटाने का काम किया था और उन्हीं जानकारी के बलबूते भारत सरकार पाकिस्तान को समय समय पर माकूल जवाब देती रही है। और फ्रेंड्स, सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और फ्रेंड्स, तीसरा, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को सफलता दिलाने में अजीत डोभाल का ई किरदार था। उन्होंने यह पर भी जासूस बनकर महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाया और जिसके भारतीय सेना को काफ़ी मदद मिली और इस ऑपरेशन में सफलता प्राप्त हुई। और फ्रेंड्स, चौथा, 25 जून 2014 को अजीत डोभाल एक सीक्रेट मिशन पर इराक गए, जहाँ पर 46 नर्सों को बंधन बनाया गया था। डोभाल को उन सभी नर्सों को भारत वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अजीत डोभाल ने वह जाकर अपनी कूटनीतिक रणनीतियों के दम पर वहाँ पर कनेक्शन को बिल्ड किया, सभी नर्सों को भारत लाने की सफलता हासिल की। और 5वां नंबर पर आता है कि सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंक के साथ आतंकवादियों को ढेर करने का श्रेय भी अजीत डोभाल को ही जाता है। फ्रेंड्स, रियली अजीत डोभाल को हम सब के तरफ से एक सैल्यूट। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।